सो व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल। एंड गाइज, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था इस फोटो पे कि भाई इसका वीडियो कब आएगा, जो कि आप लोग को मैं कमेंट भी दिखा देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग नीचे देख सकते हैं बहुत सारा कमेंट है। और देखिए, हाँ ये चाहिए, यानी कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था भाई इसका वीडियो कब आएगा। तो देखिए, आज मैं इसी का फुल वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जो कि अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको सारा को सिखा दूंगा किस तरह झांटा में अपना नाम लिखना है, जो कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड ये वीडियो लग रहा है, जो कि इस टाइम पे सबका जो वीडियो है बहुत फास्ट वायरल हो रहा है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं आरडीएक्स भाई का वो रील है और इस पर कितना व्यू गया है, 374,000। और मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है, और यहाँ पे एके भाई भी अपलोड किए हैं और यहाँ पे आदित्य भाई भी अपलोड किए हैं, जो कि सभी लोग अपलोड कर रहे हैं, बट कोई आपको नहीं बताया कि इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो एक एप्लीकेशन होता है पिक्सल लेब के नाम से, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको आप लोग को ओपन करना है। देखिए, मैं ओपन कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर दो बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी आईडी का नाम होगा वो आईडी का नाम आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अमित और एडिटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए, इस तरह इसको जूमिंग कर लेना है। फिर आपको एक काम और करना है, ऊपर जो यहाँ पे सेट ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है इमेज साइज का, तो इस पर जाइएगा और कस्टम पे जाकर आपको यूट्यूब थंबनेल वाला आइकन ले लीजिएगा। फिर सही पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर गाइस, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको इस ए वाले ऑप्शन पे आ जाना। देखिए, आप लोग को ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग ऐसा एडिट कर पाएंगे। फिर आपको इधर जाना है और क्या करना, आपको फंट वाले ऑप्शन पे आ जाना और आपको माय फंट पे जाकर और बैन वाले इस जंगल वाले टेक्स्ट को ले लेना। फिर आपको सही पे क्लिक कर देना। देखिए कितना हार्ड ये हो चुका है। फिर मैं क्या करता हूं, इसको अपने हिसाब से इसको बैठा देता हूं। फिर आपको क्या करना है, इसको देखिए, और मैं इसको छोटा करता हूं तनिसा। और इतना काम के बाद आपको आना है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डबल लेयर का, तो इस पे आपको जाना है, कलर पे जाना है। कलर पे जाकर आपको इसको रेड कर देना, क्योंकि जानते हैं आप लोग झंडा जो रेड रहता है बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको प्लस पे आना है और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक ठो PNG, ठीक है, उस PNG को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले PNG को ले लेता हूँ। देखिए, इस वाले PNG को, और इसको क्या करना है, आपको जहाँ पे लगाना होगा उसको आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए इस तरह लगाता हूँ, और लेयर पे जाकर इसको आपको क्या करना है, नीचे यहाँ से कर देना। देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरह इस पर क्लिक कर दूंगा। इसे क्या होगा कि जो ये जो किंग वाला टोपी था वो मेरे टेक्स्ट के नीचे चला गया, तो इस तरह आप लोग भी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे जाना है, यहाँ से गैलरी पे, और सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। इसे क्या होगा, आपका फोटो सेव हो जाएगा। यहाँ से देखिए, मेरा फोटो ये सेव हो चुका है। आप लोग भी इतना काम कर दीजिएगा। इतना काम के बाद अब सबसे मेन वाला चीज़ अब चालू होगा, तो आपको आ जाना है गैलरी पे, और गैलरी पे गैलरी नहीं सॉरी, आपको आना है ये गूगल पे, ठीक है, और आपको सर्च करना है फ्लेग वेवर। आपको फ्लेग वेवर सर्च करना है और इस फ्लेग वेवर पे क्लिक कर। देखिए, आप लोग सारा स्टेप अच्छा से देखिएगा। देखिए, मेरा लॉक लगा है गूगल, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। फिर देखिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए नीचे एक ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे फाइल का, तो आपको फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कोने पे, तो फाइल पे क्लिक करके जो फोटो आप लोग सेव किए थे उस वाले फोटो को आपको ले लेना है। मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है, और इस पे जाने के बाद ये रहा फोटो, तो मैं इसको ले लूँगा। देख कितना हार्ड यहाँ पे अमित एडिटिंग यहाँ पे लेकर आ चुका, बट अब आपको अभी बहुत सारा सेटिंग करना है। जो ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, और देखिए ध्यान से आप लोग जो यहाँ पे देखिए विंडो कंट्रोल है, इसको आप लोग को इनेबल करना है। फिर आपको देखिए नीचे इसको आप लोग डब्ल्यू पर रहने दीजिए, ठीक है। इसको देखिए आप लोग जो झंडा का जो साइज होता है, यानी कि जो दिशा होता है, उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग इसको इतना पर रखिएगा। फिर ये जो ऑप्शन है, इसको आप लोग स्लो में देखिए, फास्ट होगा इधर स्लो होगा, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं कितना कर रहा हूँ, देखिए इतना आपको भी अपने हिसाब से करना है। देखिए मैं कितना करता हूँ, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं अपने हिसाब से करता हूँ ताकि फोटो देखने में मस्त लगे। तो आप लोग को भी आराम से रख देना, कितना देखिए प्रोफेशनल लग रहा है। देखिए ये इधर स्लो हो रहा है, इधर फास्ट हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से अच्छे तरह से इसको रख देना है। देखिएगा मैं कैसा रखा हूँ, ऐसे आपको भी रखना है। देखिए कितना मस्त, आप लोग देख सकते हैं गाइज कितना आराम से मैं रख रहा हूँ। सारा कुछ आपको अच्छे से सेटअप करना है, ठीक है। अगर आप लोग खराब करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, ऐसे आपको भी रखना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो फूल का ऑप्शन है, कट का, कट पे क्लिक करना है। देखिए गाइज ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। फिर ये क्या होगा कि आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इस पर जाइएगा, और देखिए इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, टॉप वगैरह, लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, तो आपको टॉप पीस को रखना है। देखिए पूरा सीधा, फिर कट करेंगे।
तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग का होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है इसको रिकॉर्ड कर लेना। क्या करना है इसको, कम से कम 15 या 17 सेकंड इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो कि देखिए मैं पहले से ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। रिकॉर्ड करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह रिकॉर्ड किया हूँ। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि एक फोन में दो बार एक ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ समझा दे रहा हूँ। फिर आपको आना है और वीडियो पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसको 23 सेकंड का देखिए कहा गया मेरा ये रहा था, इसको मैं देखिए रिकॉर्ड किया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही आपको भी रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड के बाद सिंपली आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो पोके इफेक्ट मैं अपने रील पर लगाया हूँ तो इसको कैसे लगाना है, तो इसको लगाने के लिए आप लोग यूज करिएगा कैपकॉट एप्लीकेशन का। तो गाइस यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।